दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैं कैनूर जा रहा हूं और आपको जो है कैनूर की रास्तों के बारे में तथा जंगल में होने वाले जंगली जानवरों के बारे में कि किस प्रकार से जंगली जानवर यहां छुप सकते हैं, मैं उसके बारे में आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इतने घने ये जंगल सब बन गया है इन झाड़ियों से, जबकि यहाँ नज़दीक जो है आप देख रहे हैं कि बस्ती है थलीसण बाज़ार का ये मार्केट, जहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस तरह से ये झाड़ियाँ हैं। और आप शाम को जो है इन रास्तों से अगर गुजरते हैं तो कृपया करके रात होने के बाद इन रास्तों से न जाएं, क्योंकि जंगली जानवर कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं और वो आप पर जो है धावा बोल सकते हैं। जंगली जानवरों के साथ अचानक मिलने से बाघ वगैरह कभी भी जो है आप पर जो है हमला कर सकते हैं। इसलिए जो है हमारा लोगों से ये अनुरोध है कि जो इसके नज़दीक रहते हैं कृपया इन झाड़ियों को काट दें, क्योंकि जो है जब ये झाड़ी नहीं रहेंगे तो यहाँ पर जो है कोई भी जानवर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका इन्हीं जंगलों के बीच वो जो है इन्हीं झाड़ियों के बीच में वो रह सकते हैं, क्योंकि कभी भी अटैक कर सकते हैं। कैनूर गांव जाने का यह पैदल रास्ता जो कि थलीसण से और ऊपर कैनूर गांव में मिलता है, मैं उसी रास्ते आज आपको ले चलता हूँ। कैनूर गांव चढ़ाई में होता ही है कि सांस भी फूलता रहता है, और मैं यहाँ के बारे में आपको जो है बताता रहूँगा। यहाँ देखिए ये झाड़ियाँ गढ़वाल में सभी जगह है, एक यही नहीं है। इन झाड़ियों की वजह से जो है और पेड़ पौधे इस जगह पर नहीं उग पा रहे हैं, और ये जो है इनके जो फूल हैं इन पे जो बीज लगते हैं इनको जो है चिड़ियाँ ले जाते हैं, और जहाँ जहाँ बीट करती हैं ये जो है वहाँ पर पैदा हो जाते हैं, और जिससे कि जो है यहाँ पर जो है कोई भी इनके बीच में जो है नहीं जा पाता है। इनको काटने का एक ही समय है, जब ये पतझड़ होते हैं उस समय आप इनको काट सकते हैं। इस समय काटना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन पर कांटे भी होते हैं और इनसे जो है हाथों पर भी जो है इसका कांटों से जो है चुभ जाते हैं, जिससे कि आदमी इनको आसान से नहीं काट पाता है। अभी ये रास्ता चला गया है जो कि ऊपर एक रोड पे मिलेगा, और हम अभी इसी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। मेरा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने घर के आसपास जितने भी ये झाड़ी हैं इनको सभी लोग अगर काट दें तो जो है इसमें फायदा ये होगा कि जो है कोई भी जंगली जानवर इन इलाकों में नहीं आएगा। अगर हम इन झाड़ियों को ऐसे रखेंगे तो जो है कभी भी जो है बाघ भालू बंदर तो खैर आम चलते रहते हैं, लेकिन अन्य जीव जंतु यहाँ पर जो है आ सकते हैं, और वो जो है कि हम लोगों को जो है कभी भी जो है वो परेशान कर सकते हैं और कोई घटना घट सकती है। आपके गाँव छो कंदूरा छो आप? अच्छा, कहाँ साइड जाना हो इलाज है? अच्छा, आज कुछ सामान सामान लेने? बहुत बढ़िया। अरे बेटा तुम ऐसे जा रहे हो, जरा बात करो कम से कम। अच्छा, बच्चों को लेके जा रहे हो? हैं अच्छा अच्छा, आप पर वैक्सीन लगे आल? अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं ये पैदल रास्ते होते हुए और ये ऊपर जो है मोटर मार्ग पर पहुंच चुका हूं। अब आपको मैं दिखाता हूं ऊपर जो है कि कैनूर की जो ज़मीन है इसमें जो है अभी फसल होने वाली है, खरीफ की फसल, और आप देख सकते हैं कि कितनी जो है घनघोर जो है ये इलाका। तो मेरे माँ बहनों से भी ये निवेदन है कि जब कभी अपने खेत में काम करने जाएं तो देखभाल करके जाएं, जो है चौकन्ने होकर जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है
खेतों में जो है सुअर भी आ जा रहे हैं और भालू और बाघ का डर तो लगा ही रहता है। इससे चौकन्ना होकर अपना काम करें, डरने की बात नहीं है। जंगली जानवर से जब मुठ भेड़ हो जाती तभी वो छेड़ता है, नहीं तो जो है वैसे जानवर उसको छेड़ते नहीं है, लेकिन जब अचानक से मिल जाए तो वो जो है पक्का जो है घात लगा के बैठा रहता है। तो मैं पहुंच गया हूँ कैन्यूर बैंड में और मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको थलीसैंड। बहुत सुंदर दिखाई देता है यहाँ से थलीसैंड, और इस तरह से जो है कई गांव हैं ये जो कि बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आगे आपको रणोला गांव दिखाई दे रहा होगा। यह है कैनेर गांव, सिमार बाजार और रोड से नीचे चोपड़ा कोट में सबसे बड़ा गांव कैनेर गांव।